नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 News। TV20 News पर शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला, बने रहिए हमारे साथ। तो एक खबर आजमगढ़ से है, जहां नेहरू हॉल सभागार में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी की शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें तो कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण पाल ने की। पार्टी के जिलाध्यक्ष ने कहा कि यह NGO का सम्मेलन है। समाज में तमाम गैर सामाजिक सरकारी संगठन हैं जो कि समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं और समाज के स्तर को उठाने का भी काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 10 करोड़ लोगों को पार्टी से जोड़ने का देश में काम कर रही है। वहीं देश को विकसित राष्ट्र सभी मिलकर बनाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों, प्रधानमंत्री की योजनाओं, कार्यक्रमों, प्रधानमंत्री के व्यवहार पर सभी को विश्वास लग रहा है कि विपक्ष बचेगा नहीं। तमाम पार्टियां में भगदड़ मची हुई है। सुनते हैं कि जिलाध्यक्ष ने और क्या कुछ कहा। सर, आज जो शक्ति वंदन का जो कार्यक्रम रहा, क्या उद्देश्य है इसका? ये कार्यक्रम NGOs का सम्मेलन, तमाम ऐसे संगठन, स्वयंसेवी संगठन जो समाज के बीच रह करके समाज को जोड़ने का, समाज का स्तर ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं, ऐसे सारे लोगों का एक सम्मेलन था। उनको भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़कर, ये ऐसे 1000 स्वयंसेवी संगठनों को जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी 10 करोड़ लोगों तक पहुंचने का अभियान चला रही है। इसी के अंतर्गत ये सभी NGO संगठनों का एक सम्मेलन था और मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इन सारे NGO संगठनों को अपने साथ जोड़ करके भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में सफल है। आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से लोग आप शामिल हो रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? ये तो आप लोग देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार मजबूत होती जा रही है। ऐसा लगता है कि विपक्ष रहेगा ही नहीं, विपक्ष के सारे नेता अपनी अपनी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में तेजी से शामिल हो रहे हैं। सबको नरेंद्र मोदी की नीतियों में विश्वास है, उनके कार्यक्रमों में विश्वास है, उनकी लोकप्रियता से, उनके व्यवहार से सारे दलों के लोग और भारत की जनता तेजी से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रही है। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का कमर एक बार फिर खिलेगा और 2024 में आदरणीय नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या कहेंगे आज नारी शक्ति वंदन केंद्र के अंतर्गत NGO की महासम्मेलन हुआ है, भाजपा ने किया है, क्योंकि जो NGO हैं, जो स्वयंसेवी संस्था हैं, कभी न कभी अपने कार्य से थोड़ी भटकती हैं या निराश होती हैं, तो निश्चित रूप से उनकी अगर किसी ने चिंता की है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उनसे जुड़ने का और उनको हमसे जुड़ने का ये बहुत अथक प्रयास रहा है, बहुत अच्छा मौका रहा है कि वो NGO के माध्यम से जो कार्यक्रम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो NGO का कार्यक्रम होता है वो सरकार के जहाँ सरकार नहीं पहुंच पाती वहाँ वो पहुंच जाते हैं। तो निश्चित है कि सरकार ने और हमारी पार्टी दोनों ने ये चाहा है कि वो हमसे जुड़े, हम उनसे जुड़े और खूब अच्छे से आम जनमानस के बीच में कार्य हो और बहुत अच्छा मैसेज जाए। इसलिए आज NGO की महासम्मेलन का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने कराया था। आज तक ऐसा महासम्मेलन किसी अन्य पार्टी ने नहीं कराया, तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि स्वयंसेवी संस्था की अगर कोई शुभचिंतक है तो भारतीय जनता पार्टी है। और उनसे अपील भी की गई है कि अगर आपको कार्य हमारा सरकार का अच्छा लगे तो निश्चित रूप से 2024 हमें जिताने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।